नमस्कार दोस्तों, किसी भी रेल पटरी से जुड़ी होती है एक आम आदमी की उम्मीद, एक आम आदमी की रोजी रोटी, एक आम आदमी की पूरी जिंदगी। और इसी रेल पटरी के सहारे है रक्सौल और नरकटियागंज के बीच के स्टेशनों की और लोगों की जिंदगी। और लेकिन ट्रैक होने के बावजूद लोग इसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लोग मजबूर हैं धक्का खाने के लिए, सीतामढ़ी से लेकर के जनकपुर रोड और रक्सौल और उसके बाद नरकटियागंज तक ये हालात बने हुए हैं कि लोगों के पास ट्रैक होने के बावजूद ट्रेनें नहीं है और जो ट्रेन है वो सिर्फ रक्सौल तक है, उससे आगे नहीं है। तो ऐसे में लोगों ने जो है जनप्रतिनिधियों को छोड़कर खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और आम लोग खुद खड़े हो रहे हैं ट्रेन चलाने और सड़क बनाने की मांग को लेकर के। सिकटा से चंपारण तक सत्याग्रह पदयात्रा शुरू हो चुकी है। ये पदयात्रा जो है सिकटा से शुरू हुई है, आम लोग खड़े हो गए, झंडा लेकर के बुलंद करने लगे हैं कि उन्हें ट्रेन चाहिए और ट्रेन के विस्तार चाहिए, और इसकी मांग को लेकर के लोगों ने बाकायदा पदयात्रा शुरू कर दिया है। देखिए ये तस्वीर अखबारों में छपी है, कैसे लोग झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। ये नेताओं का सहारा नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई सांसद नहीं है खड़ा हो रहा है, कोई अधिकारी कोई जो है इनके साथ नहीं खड़ा हो रहा, तो इन्होंने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और अब ये मिशन के तौर पर ये निकल चुके हैं पदयात्रा पर। और ये पदयात्रा 16 तारीख तक चलेगी और इस तरीके से ये जगह जगह घूम करके लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों को खड़ा करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। 13 अक्टूबर को यानी कि आज ये रक्सौल में थे, 14 अक्टूबर को ये रक्सौल से आदापुर होते हुए, 15 अक्टूबर को ये छौड़ादानो जाएंगे और इस पदयात्रा का समापन 16 अक्टूबर को घोड़ासान में होगा। तो ये इनका पूरा कार्यक्रम है 16 अक्टूबर तक, और इस तरीके से ये अलख जगाएंगे और रेलवे के लिए रेल अधिकारियों को मजबूर करेंगे कि उनकी ये बात सुने और ये ट्रेनों का विस्तार किया जाए, ट्रेनें बढ़ाई जाएं। और लगातार जो है इनकी मांग होती जा रही है, लोगों का सब्र का बांध टूट रहा है कि दो साल हो गए जहां देश में वंदे भारत चलाई जा रही है, तेजस एक्सप्रेस चल रही है, बड़े बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, मोदी सरकार की, लेकिन क्या ये इस इलाके में आखिर ट्रेन को कब तक नहीं दिया जाएगा, यही सवाल है लोगों का। और इन लोगों ने खुद ही सड़क पर उतर आए हैं, अब नेताओं का सहारा नहीं है, अब ये लोग खुद ही जो है वो सरकार को मजबूर करना चाहते हैं, अधिकारियों को ये बात दर्शाना चाहते हैं कि आखिर उनकी व्यथा क्या है। एक तो सड़क नहीं है और रेल ट्रैक होने के बावजूद उनको जो है ट्रेन के लिए तरसाया जा रहा है। और इनकी क्या मांग है, इनकी ये मांग है कि जो समस्तीपुर से रक्सौल के लिए डेमू ट्रेन है उनको नरकटियागंज तक विस्तार किया जाए, जो दरभंगा से रक्सौल जाती है ट्रेन उसको नरकटियागंज तक विस्तार किया जाए, तीसरी मांग है कि जो समस्तीपुर से रक्सौल जो ट्रेन जाती है उसको नरकटियागंज तक विस्तार कर दिया जाए, चौथी मांग है पाटलिपुत्र रक्सौल डेमू जो जाती है उसको बघा तक कर दिया जाए। ये ऐसी मांगे हैं जो की जा सकती हैं पूरी, लेकिन नहीं की जा रही हैं, ना ही रेलवे बोर्ड की तरफ से, ना रेल मंत्रालय की तरफ से, ना ही रेलवे बोर्ड की तरफ से। देखिए ये पांचवी मांग है इनकी, मिथिलांचल एक्सप्रेस को सीतामढ़ी से नरकटियागंज तक विस्तार किया जाए, ये भी किया जा सकता है, हावड़ा रक्सौल का नरकटियागंज तक विस्तार हो ये भी किया जा सकता है, नई ट्रेन दी जा सकती है दरभंगा से, जो है लाइन बहुत बिजी नहीं है, दरभंगा से आनंद विहार के लिए नई सुपरफास्ट ट्रेन दी जा सकती है, दरभंगा से अयोध्या के लिए नई ट्रेन दी जा सकती है लेकिन नहीं दी जा रही है, कुशीनगर एक्सप्रेस का विस्तार किया जा सकता है रक्सौल या दरभंगा तक, वो भी नहीं किया जा रहा है, मडुआडी मुजफ्फरपुर जो है ट्रेन है उसको भी वाया रक्सौल सीतामढ़ी रून्नी सैदपुर चलाया जा सकता है लेकिन वो भी नहीं चलाया जा रहा है, रांची गोरखपुर से जो है नई ट्रेन दी जा सकती है वाया समस्तीपुर दरभंगा रक्सौल नरकटियागंज लेकिन ये भी लाइन पे इसको नहीं दिया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है। ये ट्रेन जो है ये आगे दी जा सकती है, सहरसा लखनऊ दैनिक मेल एक्सप्रेस ट्रेन जो अभी लाइन चालू होगा दिसंबर तक में, ये वो दिया जा सकता है। दरभंगा अजमेर जो घोषणा हो चुकी थी रेल बजट में, 3-4 सालों से ये मामला अटका हुआ है, लेकिन ये ट्रेन का नंबर भी मिल चुका था लेकिन ये ट्रेन अभी तक चालू नहीं हो पाई और इसी रूट से चालू होना था। तो ये स्थिति है रेल मंत्रालय की, किस तरह से उपेक्षा कर रहा है इस इलाके की और मिथिलांचल की कि नई ट्रेन के लिए तरसा दिया गया, जो ट्रेन है उसका भी विस्तार नहीं किया जा रहा है, लिहाजा लोग सड़क पर उतर रहे हैं और अपने हक की, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और पदयात्रा पर निकल रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो कुछ और तस्वीर के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया।